नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की पावन कथा। धर्मराज जी की पावन कथाएं मैंने अपने चैनल में अलग अलग वीडियो के माध्यम से सुनाई हैं, आप लोग जरूर सुन सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कहानी कथा डालूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में एक लड़का रहा करता था, उसका नाम भोला था। उसकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष की थी। जैसा उसका काम था वैसा ही उसका नाम था। वह बहुत भोला भाला था और दुनिया की चतुराई से बहुत ही भोला था। वही कम बुद्धि का था और उसकी माँ का निधन हो चुका था। वह अपने पिता के साथ अकेला रहता था और अपने पिता के साथ खेतों में काम करवाता था। उसकी माँ धर्मराज जी की परम भक्त थी। जब वह पूजा पाठ और कथा कहानी सुनती थी, वह भी उसकी माँ के साथ पूजा पाठ कथा कहानियाँ करता था। लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेला ही पूजा पाठ और धर्मराज जी की कथा कहानियाँ सुनने लगा। भोला के पिताजी ने कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली और उसके लिए नई माँ को ले आए। उसकी सौतेली माँ उसे अच्छे से नहीं संभालती थी। वह उसे दिन भर काम करवाती थी और ठीक से भोजन भी नहीं दिया करती थी। घर के सारे काम करवाकर पोछा और बर्तन भी करवाती थी। पर भोला अपनी माँ का दुर्व्यवहार नहीं समझता था और घर का सारा काम करता था। खुशी खुशी वह अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता था। वह घर के सारे काम करके अपने पिता के साथ खेत में जाकर काम करवाता था। अपने पिता के काम में हाथ बटवाता था। कुछ दिनों के बाद भोला शादी के योग्य हो गया। भोला के पिताजी ने जब भोला की माँ के सामने भोला की शादी की बात की तो सौतेली माँ ने सोचा कि जब इसका विवाह हो जाएगा और इसका परिवार बस जाएगा, तब इसे हमारी दौलत में से कुछ ना कुछ हिस्सा देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसे जायदाद में हिस्सा देना ही पड़ेगा। इसलिए उसने उसे मारने का षड्यंत्र रचा। उसके पिताजी भी बहुत ही भोले भाले थे, दिन भर खेतों में काम किया करते थे, इसलिए वह भी नहीं समझ पाए कि इसकी माँ आखिर चाहती क्या है। एक दिन उस सौतेली माँ ने एक तरकीब सोची और लड्डू और पूरी बनाए और टिफिन में बांधकर भोला को दिए और भोला से कहा कि अपने मामा के घर जाओ और संदेशा पहुँचा कर आओ, जंगल के रास्ते से ही जाना। यह उसकी माँ का षड्यंत्र था। उसकी माँ ने उन लड्डुओं में जहर मिला दिया था। उसने लड़के से कहा कि जब तुम्हें भूख लगेगी तो रास्ते में इसे खा लेना और मामा के घर चले जाना। भोला सुबह सुबह ही जंगल के रास्ते अपने मामा के घर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल और तेज धूप पड़ी तो उसने सोचा कि एक पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, फिर उठकर आगे की ओर चला जाए। भोला आराम कर रहा था, तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर एक हाथी आया और हाथी को लड्डुओं की सुगंध ने उसकी पोटली की ओर खींच लिया। उसकी पोटली उठाई हाथी ने और अपने सूंड से उस पोटली को खोल लिया। उसमें लड्डू और पूरियां रखी थी, वह उस हाथी ने खा ली। जब भोला की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरे पोटली को एक हाथी ले गया है और वह उन पूरियों और लड्डुओं को खा रहा है। भोला ने हाथी को मारना शुरू किया तो हाथी ने भोला को अपनी सूंड में लपेट लिया, पर भोला ने हार नहीं मानी और हाथी को अपने हाथों से मारने लगा। दूसरी ओर राजा के सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए हाथी को ढूंढते हुए आ रहे थे और उन सैनिकों ने देखा कि उस हाथी के ऊपर उस बालक को मारते हुए देखा। हाथी को मारते हुए उस बालक को देखते हुए उन सैनिकों ने देखा कि वह हाथी नीचे गिर चुका है और थोड़ी देर में वह हाथी मर जाता है। और यह दृश्य देखकर सैनिक आपस में बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक ने अपने प्रहार से इस विशालकाय हाथी को मार दिया है। यह बालक साधारण बालक नहीं है, यह बहुत बलवान बालक है। और वह उस बालक की वाहवाही करने लगे और नाचने लगे। उन सिपाहियों ने उस बालक को बताया कि
हमारे राजा ने इस हाथी को मारने का आदेश दिया हुआ है, क्योंकि यह हाथी पागल हो चुका है और लोगों और गांव में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है। इसलिए इस हाथी को हमें मारना था, पर हमसे ना हो पाया। यह काम तुमने कर दिखाया, तुम बहुत बलवान हो, चलो तुम राजा के पास चलो। ऐसा सुनकर भोला राजा के सैनिकों के साथ राजा के महल में जा पहुंचा। महल में जाकर सिपाहियों ने सारी बात राजा को बताई और राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा इनाम के रूप में उसे प्रदान की। राजा ने लड़के से उसका परिचय पूछा। लड़के ने उसका परिचय बताया तो राजा ने कहा तुम बहुत बलवान हो, तुम्हें हमारे दरबार में एक वीर योद्धा के रूप में होना चाहिए। तब भोला बहुत खुश हुआ, उसने राजा की बात मान ली। तब वहां सैनिक का प्रशिक्षण लेने लगा। उसकी मेहनत को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से राजा ने उसे सेना की एक टुकड़ी का सेनापति बना दिया। इधर कई दिनों तक भोला का कुछ पता नहीं चला तो उसके परिवार वालों ने भोला को मृत मान लिया और दुख जताने लगे, पर उसकी सौतेली माँ मन ही मन बहुत खुश थी। कुछ समय बाद एक शेर राजा के राज्य में उत्पात मचाने लगा। वह लोगों को खाने लगा और नुकसान करने लगा। लोग उससे काफी डरे हुए थे, ना काम कर रहे थे, ना ही राज्य में खुशहाली थी। राजा ने अपने सेनाओं के सेनापतियों को आदेश दिया कि उस शेर को ढूंढकर मार दिया जाए। भोला भी अपने सैनिकों के साथ उस जंगल में उस सिंह को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक दिन जब वो जंगल में सिंह को ढूंढ रहा था, तभी उस जंगल में उसे एक किसान मिला। किसान ने सेनापति से कहा, सेनापति जी, मेरा एक बैल जंगल की ओर आ गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर आप लोगों को वह बैल मिल जाए तो आप उसे अपने पास रख लीजिएगा और मेरे गांव में मुझे सूचना भिजवा दीजिएगा, आपका बहुत उपकार होगा। सेनापति ने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर वह बैल हमें मिला तो हम उसे आप तक पहुंचा देंगे। अब आप अपने घर चले जाइए, अकेले जंगल में रहना ठीक नहीं है। ऐसा सुनकर किसान अपने गांव की ओर लौट गया। रात होने पर भोला के कुछ सैनिक पेड़ों पर सो जाते और कुछ सैनिक तंबू बनाकर पेड़ों के नीचे सो जाते। कुछ देर बाद रात होने पर सेनापति भोला को कुछ एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई जानवर उसके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। उसने ध्यान से देखा और कहा, अरे यह तो किसान का बैल है। उसने जल्दी से रस्सी उठाई और उस किसान के बैल के गले में उस रस्सी को बांध दिया और अपने सैनिकों को कहा कि जल्दी से जाल बिछाओ। उस जाल में सभी सैनिकों ने उस बैल को बांध दिया। अंधेरा बहुत था, इसलिए समझ में नहीं आया कि वह बैल था या सिंह था। तभी अंधेरे में भगदड़ मच गई। तभी सैनिकों ने मशाल जलाई। तब सभी ने देखा कि अरे यह तो खूंखार शेर है, और भोला की बोलती बंद हो गई। लेकिन सारे सैनिक उसकी जय जयकार करने लगे। यह सब धर्मराज जी की कृपा भोला पर बरस रही थी। शेर को पिंजरे में कैद करके राजा के पास लाया गया। भोला के इस कारनामे को देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तब राजा ने भोला को अपने राज्य का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया। भोला की बहादुरी की बात सुनकर सुंदर राजकुमारी इतनी खुश हुई कि उन्होंने भोला से विवाह करने का निश्चय कर लिया और भोला से उनका विवाह निश्चय हो गया। राजा ने भी खुश होकर उनके विवाह को मंजूरी दे दी। खुशी खुशी भोला और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। भोला अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर सैनिकों के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव नजदीक आते ही उसके माँ बाप को सूचना मिलती रही। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बेटा भोला आ रहा है, वह जीवित है। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गई। गांव में उसके माँ बाप बाहर निकल गए घर से। फिर देखा तो भोला और उसकी दुल्हन दोनों आए हुए थे। उसकी सौतेली माँ को यह सब देखकर बहुत कष्ट हुआ। उसके पिताजी उसको देखकर बिल्कुल सन्न रह गए। जब उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो
उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी सौतेली माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने उसके साथ इतना पाप किया। सौतेली माँ के पैरों तले की जमीन खिसक रही थी। उसने सोचा कि ये क्या अनर्थ हुआ। तभी भोला ने कहा, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, आपसे हम राजमहल में रहेंगे, मैं राजमहल का राजा बन चुका हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिए। यह सुनकर भोला की सौतेली माँ को काफी पछतावा हुआ और उसने महल जाने से इनकार कर दिया। भोला के काफी समझाने के बाद उसकी माँ मान गई। फिर सभी लोग धर्मराज जी की कृपा से साथ साथ मिलजुल कर राजमहल में रहने लगे। धर्मराज जी की जय हो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर धर्मराज जी की कई कहानियाँ और डली हुई हैं, वो भी जरूर सुनिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।